आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जफर कलादगी। जमीयत उलमाए हिंद शाख इंडी की जानिब से बागलकोट और बेलगाम जिले के सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रूरी अशिया, खाने पीने का सामान और चंद रुपयों की इमदाद की गई। इस मौके पर मौलाना शाकिर हुसैन कासमी ने कहा कि मुसीबत ज़्यादा की मदद करना हमारा फ़र्ज है, यही इस्लाम भी हमें सिखाता है। मौलाना ने इस इमदादी काम में ताउन करने वालों और सैलाब मुतासिरीन के लिए भी दुआ की। इस मौके पर मौलाना सलाउद्दीन कासमी, मुश्ताक इनामदार, हुसैन टपाल, रहमान अंथोले के अलावा दीगर अफराद भी रहे मौजूद। आज इंडी तालुका जिला बीजापुर की तरफ से बागलकोट जिला और बेलगाम जिला के मुख्तलिफ तालुके और देहातों में जो सैलाब आया है, सैलाब की तबाही मची है, उसके रिलीफ के लिए इंडी शहर की तरफ से एक लाड़ी लोड करके मुख्तलिफ सामान, खाने पीने की चीज़ें, चावल, दाल, रोटी, मिर्ची, चटनी और मुख्तलिफ चीज़ें और कुछ पैसे इंडी तालुका की तरफ रिलीफ के लिए भेजी जा रही है। ऐसे मौके पर मैं इंडी शहर में जिन तमाम लोगों ने रिलीफ के लिए चीज़ें दी हैं, सामान दिया है, पैसे दिए हैं और जिन नौजवानों ने इन चीज़ों, पैसों और सामान वसूल करने में मेहनत किया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ लाड़ी के ऑनर साहिब लाल ने सिर्फ तेल के खर्चे पर लाड़ी, वहां लाड़ी में अपना सामान डालकर ले जाना अपनी तरफ से उन्होंने मंजूर किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उनके हक़ में भी, इन नौजवानों के हक़ में भी, पूरे लोगों के हक़ में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की हिफाजत करे, इन सब की मदद करे। मुसीबत की घड़ी में किसी भी इंसान के काम आना, यही इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की तालीम है। इस्लाम मुसलमानों को यही सिखाता है कि कोई भी इंसान मुसीबत में आए तो उसकी मदद की जाए। चुनांचे जमीयत उलमाए ज़िला बीजापुर की निगरानी में अभी दो दिन पहले भी एक लोड माल मुधोल भेजा गया, जो मुस्लिम गैर मुस्लिम का फ़र्क किए बगैर जहां जैसी ज़रूरत थी वहां लोगों में तकसीम की गई। और भी इंडी से दो तीन लोड अलग अलग बच्चों ने ले जा कर के जमखंडी ताल्लुका, बनहट्टी ताल्लुका और फिर गोकाक तक, फिर मुधोल तक, जहां जहां हो सका है तकसीम किया है। ये इंडी की गाड़ी गोकाक जा रही है, इंशाल्लाह उस इलाके के ज़रूरतमंदों में ये माल तकसीम किया जाएगा। और भी आलमेल से, सिंदगी से आज और गाड़ियां जा रही हैं जो फिर वहां बनहट्टी, तेरदाल और मुधोल वगैरह के इलाके में इंशाल्लाह वो गाड़ियां भेजी जाएंगी। तमाम मदद करने वालों के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, उनके हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इन सब की हिफाजत करे, इन सब की मदद करे और इस सिलसिले में जितने नौजवानों ने, बड़ों ने मेहनत किया है, अल्लाह उन सब की ज़िंदगी को अच्छी बनाए। मैं ये पैगाम जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर की तरफ से और उसकी ब्रांच इंडी सिंदगी आलमेल की तरफ से तमाम लोगों को देना चाहता हूँ कि आप हजरात के दिल में हमेशा एक दूसरे की मदद करने का जज्बा रहना चाहिए, जैसे अब मदद किए हैं। पिछले साल कोर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक 34 टन माल इंडी और सिंदगी की तरफ से भेजा गया था जमीयत उलमा की निगरानी में। अल्लाह के फजल करम से जमीयत उलमा के जिम्मेदारान पूरे स्टेट लेवल पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बेलगाम ज़िला के ज़िम्मेदार, बागलकोट ज़िला के ज़िम्मेदार और बेंगलोर स्टेट के ज़िम्मेदार यहां आकर के काम कर रहे हैं। उन सब के हक़ में भी हम दुआ करते हैं, अल्लाह उन सब की मेहनतों को कबूल करे। और जो भाई हमारे इस वक्त पानी और सैलाब की परेशानी में फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह जल्द से जल्द उनको उस मुसीबत से निजात दे। इस मुसीबत की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनकी मुसीबत में जहाँ तक हमसे हो सकेगा उनकी मदद करने के लिए हम सब तैयार हैं। जमीयत उलमा के पैगाम में ये पहला पैगाम है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुसीबत के वक्त में लोगों की मदद की जाए। जमीयत उलमा के ये तमाम वर्कर्स और खुदाम
उसी जज्बे के तहत काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले भी किए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन।